सर इनको जो हम बात करेंगे प्रेस मीडिया अवार्ड की जो आज हुआ है और आपको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से क्या कहेंगे आप? अच्छा लगता है, ये दूसरी बार मुझे इससे सम्मानित किया जा रहा है। तीसरी बार किसी भी कलाकार को कभी भी सम्मानित हो, कभी भी वो सम्मानित हो, अच्छा लगता है। चाहे फिर वो डायरेक्टर हो या एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, हम सब मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं दिखे और उसे सम्मान किया जाए, और अच्छा लगता है। और भी इस खुशी को, ये खुशी दुगना हो जाती है जब किसी प्रेस से ये सम्मान मिलता है, इसे मतलब मोहर लगा जाता है। किसी मेरे ख्याल से आज की तारीख में किसी को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का होता है, और हमें अच्छा लगता है जब मीडिया इस चीज़ को रिकग्नाइज करती है, हमारे काम को इतनी सफलता देती है। ये अवार्ड मिला है आपकी फिल्म दुश्मनी के लिए, और राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? आज की तारीख में बहुत अच्छे और बहुत सक्सेस डायरेक्टर हैं, जिनकी आने वाली लगभग सारी फिल्में हिट हैं। अच्छा लगता है जब उनकी फिल्म के लिए हम जिस डायरेक्टर के साथ आज खड़े हैं, उनकी फिल्म के लिए हमें सम्मानित किया जा रहा है। दुश्मनी रोल बहुत बिकॉज इतना बड़ा स्टारकास्ट था, इतना मल्टी स्टार फिल्म थी, उसमें भी अपने काम को एक मेरे किरदार को रिकग्नाइजेशन मिला, वो बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली उसकी बहुत बड़ा श्रेय हमारे डायरेक्टर को जाता है, एंड थैंक्स टू हिम एंड टू माय एंटायर पीपल एंड मीडिया। रिंकू घोष एक ऐसी अदाकारा मुझे लगता है इस इंडस्ट्री की सबसे सीनियर, दूसरी इंडस्ट्री की इस दौर की, और रिंकू को कोई भी किरदार दिया जाता है बाखूबी और बहुत खूबसूरती से निभाती है। दुश्मनी में वाकई इतने सारे स्टार थे और इनका जो किरदार था वो इतना बढ़िया इन्होंने किया है। एक रिस्पॉन्सिबल जो हीरोइन जो होती है फिल्म को, जो अपने पीठ पर चुकी, इतनी बड़ी दुश्मनी चल रही है, उसके अंदर किस तरह से दो परिवार को जोड़ने का जो एक काम किए हैं, और मुझे लगता है उसी चुनाव के लिए इनको सराहा गया है इस अवार्ड से। तो आपकी आवाज़ में अगर चुना है रिंकू जी को उस फिल्म के लिए, तो मुझे तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन उनका था, और हम सब रियली आपकी आवाज़ के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे टैलेंट और हमारी फिल्म को इतना अच्छा सपोर्ट किया है और हमें रिकॉग्नाइज किया है उस फिल्म के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बहुत खुशी हो रही है बेस्ट एक्टर्स अवार्ड लेके अपने बिगाड़े फिल्म के लिए। केसी बगाड़े सर की फिल्म है, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी फिल्म के लिए मुझे सेलेक्ट किया और मैंने अपना 100% उसमें परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच अंजन जी, प्रेस मीडिया अवार्ड, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड जो सिलसिला जारी हुआ है, क्या कहेंगे अवार्ड के बारे में? अवार्ड का जो सिलसिला जारी हुआ है पिछले 6 सालों से, मैं लास्ट 4 ईयर्स से इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड कर रही हूँ, और मेरे घर से लाखों दुआएं हैं अंजन जी के लिए, मौली जी के लिए, और आपके पास प्रेस मीडिया को कि सालों साल ये ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू सो मच, लव यू।